अमरावतीच्या अचलपूर मतदार संघामध्ये मागील 15 वर्षापासून सुरू असलेली राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची राहुटी आता कर्तव्य यात्रा झाली आहे। या यात्रेच्या माध्यमातून लाखो लोकांचे काम मार्गी लागले। राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी या कर्तव्य यात्रेची व्याप्ती वाढवली आहे। मेळघाटचे स्थानिक आमदार राजकुमार पटेल यांच्या पुढाकाराने आता मेळघाटात देखील ही कर्तव्य यात्रा सुरू झाली आहे। कायमस्वरूपी मागासलेलाच भाग असलेल्या मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना आजही सरकारी योजनांची माहिती होत नाहीये। एका कामासाठी त्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत। मात्र राज्यमंत्री बच्चू कडू आणि आमदार राजकुमार पटेल यांच्या उपस्थितीमध्ये 2 दिवसांमध्ये जवळपास 2500 गरजू कुटुंबांना स्वस्त धान्याचे रेशन कार्ड तत्काळ वितरित करण्यात आले। क्षेत्र में किसी आमदार ने ऐसा कार्यक्रम लिया नहीं और इस कार्यक्रम के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब बच्चू वो मेरे साथ में है और जब अचलपुर ग्रामीण में राउटी के कार्यक्रम चालू है और वहाँ तो 5-5, 6-6 गांव मिला के कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारा मेलघाट क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और गांव एकदम दूर दूर है और कई जगहों नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने भाव को बोला कि मेरे को कार्यक्रम लेना है और कैसा लेना है क्या लेना है उसके बारे में कुछ अनुभव नहीं है। मैं 2 दिन चांदूर बाजार में था, मैं थोड़ा सा समझ लिया कि अपने को क्या करना और कैसा करना है। हमारा पहला कार्यक्रम कल हुआ टेमरू सोना में, आज सलूना में है और कल चूरनी में रहेंगे और परसों एकता में रहेंगे। अपने मेरे मतदार संघ में बहुत सारे गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग इतने हैं कि वो तहसील में जाते सही में कोई कदर नहीं करते उनकी, ना उनको सादा उत्पन्न दाखला नहीं मिलता, एक उत्पन्न दाखला निकालने के लिए उनको 4-4 बार जाना पड़ता है। अने कास्ट सर्टिफिकेट निकालने कास्ट सर्टिफिकेट तो बात ही छोड़ दो, अने एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर मिलना रहे या तहसील के जो भी अगर एक अपंग व्यक्ति रहे उसको अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ करना रहे कुछ बनाना रहे तो बहुत समय भी चले जाता है और ऊपर से पैसे भी चले जाता है और काम भी नहीं होता है। तो इसलिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, भाव के माध्यम से हम ये कार्यक्रम लिया है। कल हमने कम से कम 1200 लोगों को हमने राशन कार्ड दिए हैं एक ही दिन में और कुछ और बाकी है। आज भी तकरीबन 1200 के करीब यहाँ पे राशन कार्ड को वाटअप हुआ है और अभी भी चालू है। इसमें जो अपंग व्यक्ति हैं, संजय गांधी के लाभ लेने वाले व्यक्ति है, निराधार व्यक्ति है और श्रावण बाढ़ के जितने भी लाभार्थी है साशा उनमें ज़्यादा कर दी है। बाकी के जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के बहुत कम है, लेकिन हमने अदर डिपार्टमेंट को हमने ये कोशिश हमने ये उनसे अपेक्षा की है कि भाई कम से कम हमारे यहाँ हम फॉर्म भरने वाले फॉर्म भरने के लिए भी अगर हमको मदद किए तो हमारा कार्यक्रम अच्छा होगा। आज दूसरा दिन है, अच्छा कार्यक्रम है, लोगों का अच्छा प्रतिसाद है, लोगों भी बहुत खुश है कि इसी प्रकार के कार्यक्रम अगर लेते रहे तो आने वाले समय में हमारे यहाँ के जितने भी लाभार्थी है वो शासन के। अनिरुद्ध उगले, जूम ऑन न्यूज़, अमरावती।